नमस्कार, मैं साक्षी मिनिस्टर न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से भरा नामांकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट से बसपा महासचिव सतीश मिश्र की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया, जहाँ से उनके पिता मुलायम सिंह यादव मौजूदा सांसद है। वही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी सुल्तानपुर सीट से नामांकन दाखिल किया है। सुल्तानपुर से उनके बेटे वरुण गांधी मौजूदा सांसद है। पटेल के स्टैचू के पीछे नहीं था नेहरू को अपमानित करने का इरादा। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरेली गुजरात में कहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया और इसके पीछे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपमानित करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि 12 लाख से अधिक लोग इस स्टैचू को देखने जा चुके हैं, लेकिन कोई भी कांग्रेस नेता अभी तक वहाँ नहीं गया। बूथ में मतदाताओं से बात करने को लेकर बुलंदशहर के बीजेपी सांसद नजरबंद। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन ने मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार भोला सिंह द्वारा एक बूथ के अंदर मतदाताओं से बात करने को लेकर उन्हें नोटिस थमाते हुए दिन भर के लिए नजरबंद कर दिया है। बतौर सिंह वोट डालकर बूथ से बाहर निकल रहे कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, जिसके लिए वह उन्हें धन्यवाद बोल रहे थे। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।